नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं डे अलर्ट। तृतीय सेमेस्टर के लिए हम आपका मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज लघु गुणक की जो वीडियो नंबर जाने वाला है वो 7 जाने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वो 6 वीडियोस जो हमने अपलोड कर दिए हैं वो आपने नहीं देखे हैं, तो आप जरूर देख लेना, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। आप समझ पाएँ कि लॉग से आप एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग से लॉग कैसे निकालते हैं, और भी आपके बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया गया है। तो आप उन्हें जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप एक क्वेश्चन से आप पास भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन से आप फेल भी हो सकते हैं। अगर आप कर लिए गए तो पास हो जाओगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके 11 मार्क्स आए हो 25 में से, तो आप फेल हो, आपको 12 मार्क्स की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ये आपने कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को पास के क्राइटेरिया में ले जा सकते हो। और अगर यहाँ पर बैक लग गई तो आप समझ सकते हो आपकी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि यहाँ पे बैक लगेगी तो आप 24 में जाके क्लियर होगी, तब तक शिक्षक भर्ती निकल जाएगी, और फिर आपको शिक्षक भर्ती मिलेगी सन 2028 में, तब तक आपको कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ये मौका मत जाने दीजिए। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में तो बैक लगनी ही नहीं चाहिए आपकी किसी भी हालत में। ठीक है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है कि आप अगर थर्ड और फोर्थ में बैक लगवा लो। बैक लग गई तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जांपल नंबर है 5, इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखिए, दो राज्यों की जनसंख्या है वो आपको दिख रही है। एक राज्य की जनसंख्या इसने ये दी हुई है, एवं दूसरे राज्य की जनसंख्या इतनी दी हुई है। इसने दोनों राज्यों की जनसंख्या दी हुई है, और कहा है उनमें जनसंख्या में वृद्धि दर जो हो रही है वो 2.7% की, और दूसरे में जो हो रही है 2.6% की दर से ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो राज्यों की जनसंख्या कब कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो कब ऐसा समय आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए, तो आपको लिखना है सॉल्यूशन के अंतर्गत लिखना है, माना कि एन वर्षों बाद दोनों राज्यों की जनसंख्या समान हो जाएगी। एन वर्ष बाद, तो एन वर्ष बाद राज्य प्रथम राज्य की जनसंख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, पी। ठीक है, पी ये आपका पूरा टोटल पी है। ठीक है, ये आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पी है। इसके बाद 1+R/100 पे पावर समय की एन लगा दी है, क्योंकि हमें समय निकालना है तो एन तो हमको पता ही नहीं है, और सबकी वैल्यूएशन यहाँ पे रखी हुई है, आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जो दर है 2.7 की रखी हुई है, एन हमको पता नहीं है। दूसरे राज्य की जनसंख्या भी इसी तरीके से फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखिए, इस राज्य की जनसंख्या, इस राज्य की संख्या दोनों समान होंगी, तो यानी हम दोनों को बराबर में रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इनको दोनों को क्या करा है, बराबर में रख दिया है। देखिए, इसकी वैल्यूएशन और इसकी वैल्यूएशन बराबर रख दिया है। यहाँ एन का वैल्यू निकालना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम टू सेम रहने दिया है। इसके बाद इसे हमने सॉल्यूशन कर लिया। ये जो 100 आपको नीचे दिख रहा था, तो 100 ऊपर जाएगा, तो यानी ये पॉइंट जो है वो दो स्थान और इधर खिसका देगा, तो ये दो स्थान और खिसका दिया, तो तभी ये आपका 0.27 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी दो पॉइंट आगे खिसका देगा, 100 यानी 100 और भाग लगाएगा तो 2 पॉइंट आगे किसका देगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको दोनों तरफ लॉग लेना है। ठीक है, लिखा हुआ देखिए, इस तरीके से आपको लिखना भी है दोनों तरफ हमको लॉग लेने पर। अब लॉग दोनों देखिए, इधर भी लॉग ले लिया हमने, ठीक है, ये भी लॉग ले लिया, और ये पूरा लॉग खुला हुआ है, यहाँ पर भी पूरा लॉग खुला हुआ है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया और लॉग को खोला है। देखिए, तो ये आपका लॉग, ये पूरा इसके साथ आ गया इनटू में, यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉग लेने के बाद इसने क्या करा, इसने पावर को आगे रख दिया। जैसे लॉग यहाँ पे इसने लिया होगा, जैसे इस तरीके लॉग लिया होगा, लॉग 10^7 और कोष्टक में 1.27 पे पावर 0.27 पावर कितना, एन। तो यहाँ पर ये जो पावर है ना, वो एन के लॉग लॉग एम पे पावर एन के बेस पे इसने आगे ले ली है, तो वही यहाँ पे आगे ली हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आगे ले लिया इसने। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरे वाले में जो इसका जो मल्टीपल में टूटना था, वो मल्टीपल में टूट दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टीपल में टूटना था, देखो ये यहाँ, यहाँ की जो वैल्यूएशन आप देख रहे हो, ये किसी भी मल्टीपल में दोनों थी, तो ये किस में टूट जाती, प्लस में टूट जाती। हमको आपको बताया हुआ है एम इंटू एन बराबर क्या होता है, एम प्लस में एन। ठीक है, एम प्लस में एन होता है, तो इस तरीके से ने प्लस में टूट दिया। इसी प्रकार से दूसरे में भी यही फॉलो किया है, आप देख सकते हो। इन सबको हमने सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आंसर यहाँ पे टोड़ मरोड़ के जो भी जाएगा, ये आप देख सकते हो 322 322 आपका आंसर आ रहा है। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 322 आ रहा है।
यानी हम कह सकते हैं इसमें कि 322 वर्ष बाद दोनों राज्यों की जनसंख्या कैसे हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये लॉग की वजह से ये पॉसिबल हुआ सॉल्व करना। वैसे आप चाहते कि वैसे हम सॉल्व कर लें, तो वैसे सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, आप इसे कैलकुलेशन ही इसकी करते रहते, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती, उसके बावजूद भी आपका आंसर आने में दिक्कत होती। तो यहाँ पर लॉग की वजह से हमने इसे आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके कर सकते हो। अब आज आपके वीडियो में एग्जाम्पल्स आपके टोटल खत्म हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिनके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उनके माध्यम से मैं आपको कराऊंगा सभी। ठीक है, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।